तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑरोविल आश्रम, तो चलिए चलते हैं। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन था ऑरोविल। तो ऑरोविल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू कास्ट, रिलीजन, मैन वुमेन, आप किसी में डिफ्रेंशिएट ना करके वहाँ पे ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये अरबिंदो घोष और मदर ने बनाया था। तो अगर हम जब एंटर होंगे तो हमें ऐसे बोर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी कि कैसे ये बना था, कैसे 124 कंट्रीज़ ने अपना सैम्पल सॉइल लाके इसको बनाया था, कैसे पार्लियामेंट में इसके लिए एक लॉ अलग से पास हुआ है। तो हम जैसे जैसे एंटर होते जाएंगे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन इस ऑरोविल के बारे में पता चलेगी। एंटर होने के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें बताया जाएगा कि क्या कौन थे इनके पहले पाइनियर्स और एवरीथिंग अबाउट ऑरोविल आप ऐसे बोट से जान सकते। जाएंगे तो हमें दिखेगा ये ऐसा एक गोल्डन बॉल टाइप का स्ट्रक्चर, ये है मैत्री मंदिर जो ऑरोविल के अंदर है जहाँ पे मेडिटेशंस और पीस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये भी बनाया गया था बाय अरबिंदो घोष और मदर ने। तो ये आप अगर आप स्ट्रेट देखेंगे तो आपको एक गोल्डन बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज़ मैत्री मंदिर, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो और वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस रहता है उसके अंदर, आप अलाउड नहीं हो उसके अंदर जाना एक्सेप्ट अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आपको 2-3 डेज प्रायर बुकिंग करनी पड़ती है उसके लिए। और उसके साइड में जो रेड कलर का दिख रहा है वो उसके पेटल्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट ह्यूमैनिटी, परसिवेरेंस और जो जो क्वालिटीज एक ह्यूमन में होना चाहिए वो 12 पेटल्स उसको सिंबलाइज करते हैं। तो ऑरोविल के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप मैत्री मंदिर को देखें। सेकेंड डेस्टिनेशन वॉज ब्रेड एंड चॉकलेट। ऑरोविल से बाहर आएंगे तो आपको मिलेगा थोड़ा दूर डिस्टेंस पे एक ब्रेड एंड चॉकलेट कलर का एक ब्रेड एंड चॉकलेट रेस्टोरेंट है जो बहुत ही ज़्यादा यम आपको फूड सर्व करेगा, मगर थोड़ा इट्स हाई ऑन कॉस्ट मगर टेस्ट वाइज इट्स सुपर। तो अगर आप पॉन्डिचेरी जाते हैं तो यू हैव टू ट्राई ब्रेड एंड चॉकलेट रेस्टोरेंट, वहाँ पर यम फूड मिलता है। द थर्ड डेस्टिनेशन यू मस्ट गो टू द फ्रेंच वॉर मेमोरियल। ये वैसे ऐसा कुछ आप एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये बंद था जब मैं भी गई थी, मगर ये एक फ्रेंच वॉर मेमोरियल है जो अगर चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो। मगर क्लोज टू दिस जस्ट फ्रेंच वॉर मेमोरियल के सामने यू कैन सी द रॉक बीच। रॉक बीच आप वॉक करोगे तो आपको महात्मा गांधी का स्टैच्यू दिखेगा और क्लोज टू इट इज द फ्रेंच वॉर मेमोरियल। ये रहा फ्रेंच वॉर मेमोरियल और उसके ही सामने है रॉक बीच जो बहुत ही प्यारा बीच है, क्लीन है, नीट है और पूरा रॉक स्ट्रक्चर है वहाँ पे नीचे जहाँ पे आप बैठ सकते हो, आराम से चिल कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। Now close to this beach is a deep blue fin restaurant जहाँ पे आपको yum seafood मिलेगा, तो you must try, okay? The next destination is Sacred Heart of Jesus, जो बहुत ही simple सा church है, बहुत ही पुराना architecture का, मगर ये बहुत ही प्योर और बहुत जाना माना माना जाता है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू पॉन्डिचेरी यू शुड विजिट।
लोकल स्ट्रीट इज़ वन इम्पॉर्टेंट प्लेस जो आपको विजिट करना ही है अगर आप पॉन्डिचेरी जा रहे हो तो। यहाँ पे बहुत ही हम आपको मैक्रोन्स मिलेंगे, पेस्ट्रीज मिलेंगे जो बहुत ही क्लोज टू आपका बेकर स्ट्रीट इज द सेरेनिटी बीच विच इज अ वेरी सिंपल काम बीच। आप खेलो, बैठो या रीड करो बुक, कुछ भी करो, सिंपली सेट दिस प्लेस इज डिवाइन। फॉर दोज हु आर बीच लवर्स दे विल लव दिम, दे विल लव दिस। एंड माई लास्ट ऑफ फॉर द डे वॉज द आसिफ वर्ल्ड्स बेस्ट बिरयानी, सिंपल टेस्टी बिरयानी एंड बजट बिरयानी। So you will love this biryani. So sure, you have to try this one. Okay, if you are going to Pondicherry. Bye.